हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है और मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इस जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है नेहा सचिन की, इसके अंदर सबका ध्यान मनीषा की तरफ भी है, सचिन की तरफ भी है और नेहा की तरफ भी है। तीनों की तरफ ऑडियंस का ध्यान है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसको इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे बहुत ज्यादा। उसकी भी जितनी इंसल्ट सचिन के परिवार की हुई है, नेहा के परिवार की हुई है, उतनी ही उसके परिवार को भी हुई है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारे जो जगत जीजू जी, जिनको सुमित महल जी के बारे में बात कर रही हूँ, कि उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि नेहा ने सचिन को भी बेवकूफ बनाया, नेहा ने सुमित जी को भी बेवकूफ बनाया। लेकिन उनके अंदर क्या चल रही है, क्या फीलिंग है, सारे जानना चाहते थे कि अब नेहा से क्या वो शादी करेंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसके जरिए वो अपनी बात को रख सकते हैं और उनकी ऑडियंस है वो वेट भी कर रही है। जिस टाइम पे नेहा को एक्सेप्ट किया था सुमित जी ने, तो काफी कुछ जो रिएक्शन चैनल थे या उनकी जितनी भी ऑडियंस थी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उनको एक सुपर हीरो का टैग मिला था, क्योंकि ताशी बहुत ज्यादा खुश थी और ताशी ने उन्हें सुपर हीरो कहा था, सुपर पापा कहा था। तो उनकी खुशी के लिए नेहा ने कहा था कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हुई हूँ। चलो ठीक है, जब ये सच्चाई सामने आई और फिर जब सचिन ने सच्चाई रखनी शुरू की थी, तो उस टाइम पे नेहा की तरफ से रिप्लाई आता है कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। जिस दिन नेहा के भाई ने लाइव में आकर कहा कि मेरी बहन ने कहा है मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, तो सबको यही लगा कि चलो नेहा ने गलती की, लेकिन नेहा बढ़ना चाहती है आगे और 3 महीने से उनकी कोई बात नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे जब सचिन है वो अपने जो आपे से बाहर आए और यहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने प्रूफ रखे, पहली बात तो उनकी बातों पर तो मोस्टली लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने वो सारे प्रूफ रखे सामने और वो चैट वाली सामने जिस दिन वीडियो आई है, उस दिन के बाद लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि नेहा सचिन और सुमित जी को एक साथ बेवकूफ बना रही थी। सेम टाइम पे वो दोनों को इस साथ कस्मे वादे कर रही है, चैट कर रही है और उन्हें भी यही कह रही है कि मैं सचिन से बात नहीं करती, सचिन को कहा जा रहा है कि मैं सुमित से बात नहीं करती। यहाँ प्रोमिस लिए जा रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ के साथ वीडियो मत डालो, मैं अपने उनसे के साथ वीडियो नहीं डालूंगी। इसीलिए तो कभी भी लोग उनसे बात करते थे, पूछते थे कि आप सुमित महल का नाम अपने साथ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, उनके बारे में कोई बात ही पूछते थे, एक भी कमेंट का वो जवाब ही नहीं देती थी। लाइव हर रोज आती थी, लेकिन उन लाइव में उन कमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता या ये कहा जाता था कि इसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। तो ये इसीलिए किया जाता था क्योंकि दोनों की सांठ गांठ थी भाई। अब सचिन, क्योंकि नेहा वहां पहुंची नहीं, सचिन को ठुकरा दिया, इसलिए ये जो चैट है वो सामने आई। और यहाँ पर अब हम सोच सकते हैं कि सुमित जी का क्या हाल होगा, उनके परिवार का क्या हाल होगा। जहाँ एक तरफ वो समाज के लिए एक मिसाल पैदा कर रहे थे कि एक 40 साल की औरत जो विधवा है, एक बेटी की माँ है, उससे वो शादी कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखो ना कि उसकी शादी भी नहीं हुई फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको अच्छा लगा था। लेकिन लास्ट में क्या मिला, धोखा मिला। जहाँ एक और वो कहते होंगे देखो हमारी बहू सोशल मीडिया पर इतनी फेमस है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पर उनकी बहू ने तो उनकी इज्जत की तार तार कर दी, मतलब वो बाहर निकलने लायक ही नहीं छोड़े। फिलहाल देखो सरिता जेटू जी ने एक रिएक्शन चैनल पे कमेंट करके और मतलब ये कहा है कि वो सचिन जो कर रहे हैं, सचिन और नेहा, उनके बारे में थोड़ा बहुत शक था लेकिन नहीं पता था कि इतनी ज्यादा गंदगी होगी। तो सरिता जी ने वहां कमेंट किया है कि सच्चाई इतनी गंदी हो सकती है, ये तो हम नहीं जानते थे और ना ही कभी स्वीकार कर पा रहे हैं। सच कहूँ ना, मनीषा के लिए तो हमें भी अफसोस था। हालांकि मनीषा को लेकर तो फिर भी हमारे विचार स्थिति अनुसार बदलते भी रहे, लेकिन कल सचिन की चैट देखने के बाद सबसे ज्यादा मैं दुख भी सुमित महल के बारे में सोच रहा था। वो भाई और उसका परिवार तो खुद के लिए क्या महसूस कर रहे होंगे। सच में वो लड़का आगे आकर अपनी बात रखता था, लेकिन आज उसका कोई भी सिंगल कमेंट नहीं। वाकई मनीषा के लिए जितना भी बुरा सुमित महल और उनके परिवार के लिए हो रहा है, एक सुपर हीरो एक मिसाल बने लड़के की भावनाओं का सरेआम हो गया। जी हाँ, सरेआम कत्ल हो गया। इसका मतलब यही है कि जो लड़का एक परिवार मतलब सुपर हीरो बनकर आया था, आज उसकी भावनाओं के साथ खेला गया है। हम चाहते हैं कि सुमित सामने आए और अपनी
आगे की सोच सबके सामने रखे। ये सरिता जेठू जी ने कमेंट किया है और इन्हीं का रिप्लाई किया है फिर सुमित महल जी ने। जी हाँ, उनको रिप्लाई दिया है कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। और समय ने जो दृश्य दिखाया है वो देखा नहीं जा रहा और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसीलिए पहले हम खुद को पहले सेटल कर लें, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे या कह पाना उचित होगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है जो पूरी तरह से शॉक्ड है और सदमे में है। जी हाँ, इस न्यूज़ को सुनने के बाद सुमित महल का परिवार है वो पूरी तरह से सदमे में है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या फैसला लेना है, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया पर जो उनकी होने वाली बहू की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है ना, उसके बाद तो हर एक जो नॉर्मल फैमिली है वो ऐसी बहू को अपनाने से कतराएगी। दूसरा, हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनमें पैसे भले ही कम हो लेकिन उनमें इज्जत पूरी होनी चाहिए। यही उनकी फैमिली के साथ हो रहा है। अब विश्वास करें या ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जहां सचिन ने प्रूफ रखे हैं उनके हिसाब से सोशल मीडिया पर जो इमेज दिखाई दे गई है उसके हिसाब से तो देखें तो ये है कि वो अपनाएंगे नहीं। लेकिन अब दूसरी तरफ जहां नेहा का भाई या नेहा पूरी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे अगली पार्टी को झूठा साबित किया भी गया होगा, अपनी तरफ से वो दिखाएंगे कि हम सही हैं और जो कह रहे हैं वो ही गलत है। अब सीजन लास्ट में सुमित और उनका पूरा परिवार मिलकर लेगा, वही होगा। लेकिन देखो, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनके लिए भी है। जहाँ सुमित महल ने अपना जब चैनल खोला था तो हर एक रिएक्शन चैनल, जब नेहा और नेहा की मम्मी ने बद्दुआएं दी कि आखिर को जो चैनल्स बंद कराए थे उससे रिलेटेड वो इमेज सही करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इतना ज़्यादा उनके परिवार को सुनाया गया कि पैसे के लिए शादी कर रहे हैं या नेम फेम है इसीलिए शादी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं कि मतलब नेहा फेमस थी इसलिए शादी कर रहे थे, उन्होंने उसको समझा कि चलो एक विधवा है, चलो एक बेटी की माँ है, फिर भी उसको जीने का हक है। उसके हिसाब से वो एक मिसाल बनकर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ उनके साथ होगा। और इस सिचुएशन का होने के बाद भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ एक सिंगल लेडी पर भी ट्रस्ट होना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब इतनी मुश्किल से मतलब एक लड़का आगे आया है सामने, शादी करने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन क्या ये सब होने के बाद अब नेहा से कोई भी लड़का शादी करने को तैयार होगा? क्या उनको विश्वास होगा? क्योंकि जो लड़की भाई बहन के रिश्ते को तार कर सकती है वो शादी के बाद भी ऐसे काम कर सकती है। जहाँ चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया, मूव ऑन करने के बाद यदि वो उससे बात ना करती ना तो भी सिचुएशन हैंडल हो जाती। लेकिन यहाँ पर दो दिन पहले तक वो सचिन से बात कर रही है तो इस सब सिचुएशन से थे को थोड़ा सा उसके लिए और मुश्किल हो गया है। और जहां अब प्रूफ पे प्रूफ निकल कर आ रहे हैं, एक नहीं सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं, कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो नेहा को सपोर्ट करता हो। तो आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना एक ओपिनियन जरूर बताना कि क्या सुमित महल जी को शादी करनी चाहिए नेहा से, नेहा को अपनाना चाहिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या उनको ताशी को आगे बढ़ने का हक है सुमित महल जी के साथ या किसी और के साथ? अब हमें नहीं पता, लेकिन आप भी अपनी राय जरूर रखना।